हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीना जैन। आप सबका मेरी चैनल हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है। मैं मेरी चैनल पे ज़्यादातर रेसिपी ऐसी दिखाने का ट्राई करती हूँ जिससे हम बाहर की फूड आइटम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा मानना है कि केक हो या पिज़्ज़ा, कटलेट हो या कोई भी डेजर्ट स्वीट्स, हम बाहर का जो खाते हैं उससे अच्छा है कि हम घर पे बनाया हुआ खाएं। बाहर से तो घर पे बनाया हुआ हेल्दी ही रहता है, डिपेंड कि आप उसे अपने खाने में कैसे और किस क्वांटिटी में लेते हैं। और इसलिए आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। ज्यादातर छोटे बच्चे जेली के लिए बहुत ही जिद करते हैं और बाहर की जेली जिलेटिन और प्रिजर्वेटिव से बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। तो आज मैं बिना प्रिजर्वेटिव और जिलेटिन से जेली बनाना सिखाऊंगी, वो भी फ्रेश जूस से। तो शुरू करते हैं जेली बनाना। जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 750 ml पानी लिया है। हर चीज हम इसी नाप के हिसाब से लेंगे। अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। 1/2 cup मैंने शुगर ली है। यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी आप चाहे तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3/4 cup शुगर भी आप ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है, अगर दो तरह का आता है, एक अगर इस फॉर्म में आता है और दूसरा अगर जो आता है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आता है, आप वो भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, पर पाउडर फॉर्म का ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देता है। इसलिए अगर आपको पाउडर फॉर्म में अगर मिल रहा हो तो आप वही यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे पोमेग्रेनेट का जूस लिया है। यहाँ पे आप कोई भी फ्रूट का फ्रेश जूस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश जूस अवेलेबल ना हो तो टैंग या फिर अदर कंपनी का जो शरबत का पाउडर पैक आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसे इसमें मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। मैं इसमें 2 पिंच जितना स्ट्रॉबेरी रेड फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते आप तो स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें फूड कलर और एसेंस बहुत तरह के मार्केट में मिलते हैं, तो कोई भी फ्लेवर के लिए एसेंस डाल के शुगर की मात्रा थोड़ी बढ़ा के कोई भी फ्लेवर की जेली आप बना सकते हैं। एसेंस वाले तरीके से आप बिना सीजन के कच्ची कैरी, मैंगो, ऑरेंज कोई भी जेली बना सकते हैं। इसे इस तरह से हिला के मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देना है, फिर हम इसे उबालेंगे। अब इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें इस तरह से हिलाते हुए उबालना है। एक उबाल आने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए उबालेंगे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खास बता दूँ कि हमको जो लिक्विड की कंसिस्टेंसी है उसका खास ध्यान रखना है कि ये थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी जैसी नहीं होनी चाहिए, वरना हम इसे फ्रिज में से बाहर निकालेंगे तो ये तुरंत ही मेल्ट होने लगेगी। देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे हिलाते हुए कंटिन्यू हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। मैं यहाँ पे इसे 7 मिनट के लिए उबाल रही हूँ, पर अगर आपको कंसिस्टेंसी आपकी पतली लग रही है तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी उबाल सकते हैं। 7 से 8 मिनट हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे एक छलनी से छान लेंगे। अगर एक तरह का पौधा आता है और इसीलिए हमको ये लिक्विड को छानना होता है, ताकि अगर में थोड़ा बहुत भी जो कचरा हो वो स्ट्रेनर में निकल जाए। उबले हुए लिक्विड को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। मेरे पास अभी सिलिकॉन के ये मोल्ड अवेलेबल है, इसलिए मैं इसमें इसे भर रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन के मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट के किसी मोल्ड या तो फिर कोई भी कटोरी में भी इसे भर के शेप दे सकते हैं। इस तरह से ये जेली के लिक्विड को हम मन चाहे मोल्ड में भर के इसे कम से कम 10 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 घंटे बाद भी अगर आपकी जेली प्रॉपर शेप में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी लिक्विड की कंसिस्टेंसी पतली है, तो आप उस जेली को 5 मिनट के लिए उबाल के 5 घंटे के लिए वापस फ्रिज में रख दीजिए, तो वो प्रॉपर शेप में आ जाएगी। अब इसे 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिक्विड ये बड़े वाले बाउल में भरा था, इसे मैंने 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखा था। मैंने इसे ज्यादा देर नहीं रखा है, फिर भी ये काफी ठीक हो गया है, तो एक बार इसे निकाल के देख लेते हैं। इस तरह से प्लेट में रखेंगे इसे। देखिए, काफी अच्छे से तैयार हो गई है जेली। अगर आप इस जेली को 8 से 10 घंटे के लिए रखेंगे तो एकदम प्रॉपर रिजल्ट आएगा आपकी जेली का, है ना, बिल्कुल बाहर जैसी। और आप मन चाहे फ्रूट जूस से इसे बना भी सकते हैं और मन चाहे फ्लेवर में इसे तैयार करके खा भी सकते हैं और बच्चों को दे भी सकते हैं बिना टेंशन के। मैंने यहाँ पे जो जेली बनाने के लिए अगर यूज किया है वो बिल्कुल वेज है, इसलिए आप इसे बिना टेंशन के यूज कर सकते हैं।
जिलेटिन का सब्स्टिट्यूट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको काट के दिखाती हूँ, है ना बिल्कुल ही बाहर जैसी ये जेली, और वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के बनाई हुई है। आप इसे बिना टेंशन के बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये खाने में भी बिल्कुल बाहर जैसी ही बनती है। देखिए मैं ये सिलिकॉन के मोल्ड वाली भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसको भी मैंने 6 घंटे पहले रखा था फ्रीज में। अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको जो लिक्विड की कंसिस्टेंसी है वो काफी गाढ़ी रखनी है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए इसे। ये घर की जेली खाने के बाद कभी भी बच्चे बाहर की जेली आपसे नहीं मांगेंगे। आज की जेली की रेसिपी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।